हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस दिस इज़ योर न्यूज़पेपर रीडिंग गाइड फॉर सेकेंड नवंबर 2020 थाउजेंड ट्वेंटी तो आज के न्यूज़पेपर में हम देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज़ हैं जो आप स्किप कर सकते हैं सो देर आर अ वेरी लेस नंबर ऑफ़ न्यूज़ इन एवरी डेज न्यूज़पेपर विच इज़ एक्चुअली रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो वी विल सी विच दो न्यूज़ आर टूडे सो देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ Which we believe at Abhiman News that are relevant for your civil services preparation. One is the Hindu and another one is the Indian Express. So majorly the Hindu or which important portions the Indian Express say there are just two three pages in the Indian Express which we need to cover and almost the entire Hindu. So let us start with today's analysis. So today's newspaper, my front page, page, the pehli news is GST inflows cross one lakh road in October. सो आफ्टर मंथ्स ऑफ स्लो डाउन पहली बार जी एस टी कलेक्शन ने पिकअप किया है एंड इट हैज़ क्लॉस्ड वन लाख करोड़ रुपीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर सो इट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ रिकवरी बट ये ट्रेंड कब तक सस्टेन करेगा ये कहना मुश्किल है दिस न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इकोनॉमी परस्पेक्टिव से आपको जी एस टी का थ्री सिक्सटी डिग्री सब कुछ पता होना चाहिए वट आर इट्स इम्प्लीकेशन वट आर जी एस टी लॉज वेन वट इज वैन वॉज इट इंप्लीमेंटेड Each and everything, especially in light of the recent controversy between the center and the states on the compensation that the center is supposed to provide to the states. So, this is issue which you have Secondly, another news on the front page after UP, Haryana government mulls law against love jihad. Now, as such, this is not a very important news, but you should know that in your mains exam, there is a इशू ऑफ सोसाइटी सो सोसाइटी के परस्पेक्टिव से इस तरह के लॉज जो भी कोई स्टेट्स पास कर रही हैं जिसका रिलीजियस कोई पर्पज़ है या फिर किसी भी तरीके से वो कास्ट या रिलीजन से जुड़ी हुई हैं यू शुड ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन दोज सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप अ टैब ऑन इसको आपने प्रॉपरली नोट नहीं भी करना बट इट कैन बिकम अ वैल्यू एडिशन टू यंसर्स देन नेक्स्ट दो आपकी फ्रंट पेज के ऊपर इस तरह की न्यूज़ हैं एक ये इमेज है

इसको ज्योग्राफी से कैसे जोड़ना है इसको गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरवेंशन से कैसे जोड़ना है और एनवायरमेंट इकोलॉजी से कैसे जोड़ना है दैट यू शुड नो सो यू शुड नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स अबाउट सफर अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी अबाउट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दीज थिंग्स यू शुड बी वेल वर्स्ड विद इसे अपने नोट्स में आप टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे जब भी कोई चेंज आएगा फॉर एग्जाम्पल दो तीन दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इश्यू किया है टू कर्व द पॉल्यूशन लेवल्स इन नेशनल कैपिटल रीजन तो उसमें एक नई बॉडी क्रिएट की गई है लर्न अबाउट दैट बॉडी ईच एंड एवरीथिंग राइट सो दैट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर नोट्स अदर देन दिस देर आर नो सिग्निफिकेंट न्यूज ऑन द स्टेट्स पेजेस यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द एडिटोरियल पेज विच इज पेज नंबर सिक्स पेज नंबर सिक्स में ये जो फॉरन पॉलिसी पे आर्टिकल है द शिफ्टिंग प्रोजेक्ट्री ऑफ इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरनेशनल रिलेशन परसपेक्टिव तो आई आर में इसमें से जो पॉइंटर्स हैं वो आप नोट करेंगे काफ़ी ब्रॉड बेस्ड आर्टिकल है ये दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिटन बाय मिस्टर एम के नारायण सो मिस्टर एम के नारायणन हैज़ बीन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट तो बहुत ही अथॉरिटेटिव आर्टिकल्स होते हैं इसमें से बहुत सारे आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे रशिया चाइना यू एस मिडल ईस्ट काफी सारे पॉइंटर्स इंडियन फॉरन पॉलिसी के आपको मिल जाएंगे सो दिस इज एन आर्टिकल जो आप कट करके अपने पास रख सकते हो अगर आपको मेन्स के लिए बाद में तैयारी करनी है बट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रिजर्वड और इससे आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं देन दिस आर्टिकल इज वेरी जनरल ऑन कोविड नाइन्टीन एंड इन टूडेज़ न्यूज़ पेपर और अगले दो तीन दिन भी ऐसा चलेगा कि इंडिया यू एस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे या यू एस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे बिकॉज यू एस में प्रेजिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं सो देर विल बी अ लॉट मैनी आर्टिकल्स एडिटोरियल्स एंड सो मैनी अदर न्यूज़ पेसिज ऑन यू एस इलेक्शन बट बी वेरी कॉशियस अगर आपको स्पेशली इसमें इंटरेस्ट है या फिर पोलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है दैन यू कैन गो इन टू इट अदरवाइज इट्स अफिशियंट इफ यू नो द जस्ट द क्रक्स ऑफ इट it is relevant only from the perspective of comparison between indian constitution and the us constitution right other than that all this is just political news so this editorial as well as this article both are on the us presidential elections no significant article on this page as well then you can directly skip to the international page but international page i think is not there today okay it is so on the world page also or on the international page also ऑल द आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द यू एस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन तो ये पूरा का पूरा पेज आप स्किप कर सकते हैं या इस पर कर्सरी ग्लान्स दे सकते हैं बट नथिंग टू बी एडिड टू द नोट्स और समथिंग यू जस्ट शुड नो अल्टीमेटली द कंपेरिजन बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एंड यू एस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑल अदर थिंगज आर जस्ट फ्लीटिंग सो अमेरिका बियॉन्ड इलेक्शन डे मोर अप्स दैन डाउन इन इंडिया टाइज सो यहाँ से आप थोड़ा सा कुछ इंडो यू एस रिलेशन में एड कर सकते हैं अदर देन दैट यू नीड नॉट गो डीप इन टू दिस पर्टिकुलर थिंग

For North India, but page number 11, 12, and 13, the explained page, the editorial pages, they are quite significant from the perspective of civil services. So you can directly switch to page number 11. So page number 11 is the explained page.

So these are the two articles that you can study on page 11. Then on page number 12 and 13, there are just two articles that you need to study. One is ready for takeoff. This is on Air India disinvestment. and second is 70s lesson for vaccine plan. So in 1970s also India had a vaccination program. So now the author is also suggesting that for COVID-19 also similar kind of vaccination program should be run by government because it was a huge success. So, these are the only two articles that you need to study on page 12. And with this, the newspaper analysis or newspaper reading guide for 2nd November is off. And all the best. Thank you.